पंडित जी और पंडित भाई में लड़ाई हो गई कि क्या तुम्हारा बाबा भोग लगाता है या सिर्फ लेकर बैठ जाते हो। पंडित जी बोले ये मेरा बाबा है, जब तक ये भोग नहीं लगाता मैं भी नहीं खाता। पंडित जी पंडित भाई कह रही है ऐसा करो कल सामने बैठना भोग लेकर, जब खाएगा सारे तभी खाएंगे उसके वरना खाएंगे भी नहीं। अब अगले दिन लेकर बैठ गए, चार लड्डू बनाए और आगे लेकर बैठ गए। एक घंटा हो गया कोई नहीं आया, डेढ़ घंटा हुआ तो चींटी आने लगी। मेरी चींटी आने लगी तो पंडित जी ने चींटियों को मारकर बता दिया। दो घंटे हो गए कोई नहीं आया, एक भिखारी आया बोला प्रभु कुछ दे दो खाने का। पंडित जी बोले जब तक ये भोग नहीं लगाएगा तुमको भी कुछ नहीं मिलेगा, मैं महाराज परा हूँ मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, जब तक ये नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ऐसे करते करते रात हो गई लेकिन खाने वाला कोई ना आया। अब रात को रोने लगा और लड्डू बुझाए, ना खुद खाया ना ठाकुर ने खाया, लड्डू उठाए और खिड़की से बाहर फेंक दिए। अब रात को सोने लगा, लगभग 2 बजे करीब सपना आया कि यह पंडित जी लड्डू बड़े स्वाद दे लड्डू बड़े स्वाद दे। पंडित जी बोले काहे करते इतनी देर बैठा रहा, तब तक तो आए नहीं, पंडित साहिब के सामने भी बेइज्जती करा दी। पंडित जी बोले तू नहीं आया, प्रभु की आवाज आई, देखने का नजरिया होना चाहिए। मैं पहले आया था चीटी बनकर आया था, तूने मार के भगा दिया, भिखारी बनकर आया था तूने बाहर से निकाल दिया। लेकिन रात को जब मैंने वो लड्डू बाहर देखे उनकी मिट्टी साफ करी और जब खाए तो तेरा प्रेम लड्डुओं में दिख रहा था। आया मैं आया